देश में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खास तौर पर बच्चों में ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसकी वजह से कई सारी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो बच्चों के विजन को सीधा प्रभावित कर रही है। आजकल ज्यादातर बच्चे कम उम्र में मोबाइल और लैपटॉप जैसी चीजों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। इसके चलते बचपन में ही इन्हें ड्राई आईज, खुजली, स्ट्रेन, सिर दर्द और खराब नजर की समस्याएं होने लगती है। ऐसा ही मामला आया है जोधपुर में। जोधपुर के मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल की ओपीडी में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खाली समय में घंटों मोबाइल चलाने की वजह से बच्चों की आंखों से संबंधित समस्याएं भी सामने आ रही हैं। में एक्सपर्ट की माने तो वो बच्चे के परिजनों को यही सलाह दे रहे हैं कि वह बच्चों का ध्यान रखे ताकि उनको आंखों संबंधित किसी तरह की समस्या देखने को नहीं मिले। स्कूलों से भी काफी ज्यादा ऑनलाइन स्टडी वगैरह का ट्रेंड बढ़ा है, तो इसकी वजह से ट्यूशन का नंबर बढ़ना चाहिए और आपकी इस तरह से मैं चाहेंगे कि एक तो वो अपने बच्चों को बाहर खेलकूद के लिए मोटिवेट करे, उनके लिए ऑनलाइन और स्कूलों के लिए भी यही सलाह है कि वो ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडीज को कॉन्सेंट्रेट करें और बच्चों को भी मोबाइल और जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर अरविंद चौहान ने कहा कि मार्च अप्रैल महीने में स्कूलों के एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चों की छुट्टी लग जाती है। ऐसे खाली समय में बच्चे मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से उनका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। स्क्रीन टाइम अधिक बढ़ना बच्चों की आंखों की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इससे बचाव के लिए पेरेंट्स को सावधानियां रखनी चाहिए। ये तो पेंडेमिक बनता जा रहा है कि बच्चों के अंदर पिछले 5 या 6 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। बच्चे मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और हर घर में आजकल डाटा फ्री है, तो पेरेंट्स भी उनको नहीं रोक रहे हैं मोबाइल चलाने से। इससे बच्चों पे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, बच्चों की रीडिंग हैबिट ख़त्म हो रही है, बच्चे अक्सर चश्मे के नंबर या सरदर्द की शिकायत के लिए हमारे पास आते हैं ओपीडी के अंदर, तो इसके लिए कुछ करना ज़रूरी है। तो पेरेंट्स खुद अपना मोबाइल का यूज़ कम करें, बच्चों को आउटडोर गेम की तरफ डाइवर्ट करें, बच्चा फुटबॉल खेले, गर्मी की छुट्टियों में अपने आसपास के दोस्तों के साथ मिले और इसका स्क्रीन टाइम चाहे टीवी के थ्रू हो, चाहे मोबाइल के थ्रू हो या गेम के थ्रू हो, ये उसको कम से कम करना चाहिए। क्या जिनको चश्मे के नंबर आगे हैं और जिनको आगे हैं वो नंबर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बच्चे के आँखों में थकान, आँखों में लाल रहना, सर दर्द रहना, सबसे बड़ा बच्चा अपने हम उम्र बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर रहा है, उसको रात भर जाग रहा है अननेसेसरी, जबकि उसको तो गर्मी की छुट्टियों में सो जाना चाहिए। वहीं डॉक्टर सारिका गौड़ की माने तो गर्मियों की छुट्टी में फोन के इस्तेमाल की वजह से बच्चों के अंदर आंखों में दर्द, एलर्जी और सिर दर्द की शिकायत भी सामने आ रही है। चेक करने पे पाया कि कुछ बच्चे 5 से 6 घंटे तक मोबाइल देख रहे हैं। इसकी वजह से उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है। इसलिए सभी पेरेंट्स बच्चों से आउटडोर एक्टिविटी करवाएं। पेरेंट्स को एक्चुअली मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को कम से कम मोबाइल दें। एक्चुअली पेरेंट्स क्या है अपनी अपना टाइम मतलब निकालने के लिए कि भी बच्चा बिजी हो जाएगा, हम अपना काम कर लें। अब मोबाइल छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है ना, वो पकड़ा देते हैं मोबाइल और ये उनकी आंखों की सेहत के लिए बहुत ही ख़राब है। बच्चों के अंदर आजकल चश्मे के नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं बच्चों के जिसमें जिनमें चश्मे की प्रॉब्लम आ रही है। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रेरित करना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलें, आउटडोर गेम्स खेलें। लोकल 18 जोधपुर से कृष्णा कुमार गौर की रिपोर्ट।